सुपरस्टार सलमान खान और केआरके के विवाद के बाद बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह ने केआरके के लिए सॉन्ग बनाया है। मीका ने अपने जन्मदिन के दूसरे दिन 11 जून को यूट्यूब पर केआरके कुत्ता सॉन्ग रिलीज कर दिया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। यह गाना कुछ ही घंटों में वायरल हो चुका है और अब मीका सिंह अपने इस गाने को मिल रही सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दौरान उनका कहना था, फर्स्ट ऑफ ऑल गाने का नाम है #केआरकेकुत्ता। सो जब भी आपको गाना पे डांस करना, रील्स बनानी, तो #केआरकेकुत्ता, जो कि मैंने 9th को उसका टीजर डाला था। मैं चाहता तो 10th को मैं उसको रिलीज कर सकता था, बिकॉज मेरा बर्थडे था, तो मैं नहीं चाहता कि अपने जन्मदिन वाले दिन मैं कोई ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल सॉन्ग बनाऊँ या किसी को हर्ट करूँ, चाहे वो केआरके क्यों ना हो जी। सो मैं नहीं चाहता था कि मेरे जन्मदिन पे, बर्थडे वाले दिन कोई ऐसा मैं गाना निकालूं। और अब फाइनली हमारा गाना रिलीज़ हो गया है। बहुत सारे लोगों को लगता था मैं गाना नहीं रिलीज़ करूंगा, क्योंकि जब गाना हम बना चुके हैं, गाने पे इसलिए इतना टाइम लगा था क्योंकि जो केआरके है वो एक क्रिटिक्स है, जो अपने आप को बहुत बड़ा क्रिटिक्स बोलता है, हर फिल्म के बारे में वो राय देता है, अपनी ओपिनियन देता है। तो मुझे म्यूज़िक उस लेवल का बनाना पड़ेगा कि ताकि उसकी बीट, उसका रैप, उसका जो वीडियो है वो उस लेवल का हो, क्योंकि केआरके ने भाई उसके लिए व्यूज़ करने हैं, उसके लिए रिव्यू बताने के, गाना कैसा लगा कैसा नहीं लगा। सो और आप सभी को पता है कि मैं कभी भी प्रमोशन के ऊपर, आप सभी को पता है मैं प्रमोशन के ऊपर कभी पैसा खर्च नहीं करता। एक मीका सिंह ऐसा जो व्यूज़ नहीं खरीदता या लाइक्स नहीं खरीदता, ऐसे बिलीव नहीं करता मैं। बट आप सभी का थैंक्स कि 1 मिलियन विद इन 3 आवर्स में जो ऑर्गेनिकली हुआ है, थैंक यू एवरीवन कि आपको गाना पसंद आ रहा है। क्योंकि एट द एंड मैंने बोला था कि गाना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये गाना #केआरकेकुत्ता बनाया, वो बहुत डरता मेरे से, पर मेरी उसकी पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने 100 बार कहा है, इस बार फिर कह रहा हूँ कि बेटा मैं तेरे को मारूंगा नहीं, ना मैं तेरे को पीटूंगा, बट गाने के बारे में सही रिव्यू देना, आई बी हैप्पी। एक जेन्युइन तुम बताना कि यार गाना ऐसा था, बीट कमी रहेगी, बिकॉज हर गाने को बोलता है मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं। अब तो जनता को मज़ा आ रहा है, अब तो मैंने जनता के ऊपर सोच छोड़ा हुआ है, तो आई थिंक वो पहले जनता का रिजल्ट देखे, जनता का रिस्पॉन्स देखे, फिर वो रिव्यू दे। रही बात केआरके की, तो मुझे उससे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने गाना बनाया उसको सबक सिखाने के लिए। अब ये है कि कल को मेरी और केआरके की दोस्ती होती है या नहीं होती, लेकिन भाई #केआरकेकुत्ता तो सारी उम्र के लिए चिपक गया तुम्हारे लिए। हाँ, एक्चुअली मैं मुझे लगा था कि जो मेरे फैंस है, मेरे एक हार्डकोर फैंस है जिनको मेरा हर गाना अच्छा लगता है, और ये कुत्ते के ऊपर चौथा मेरा गाना है, नॉट केआर के कुत्ते के ऊपर, लेकिन कुत्ते के ऊपर, जैसे बन गया पट्टा देखो बन गया कुत्ता, एक ये आया था, एक वीरे दी बैटिंग में अक्षय पाजी का गाना था, वो भी ऐसा ही कुत्ते के ऊपर गाना था, और ये अभी तीसरा गाना ऐसा है, चौथा गाना ऐसा है जो अगेन कुत्ते पे बना है। पर मुझे नहीं पता था कि इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आएगा। कल मैं वैसे ही यूट्यूब चेक कर रहा था, तो अगर आप #भी नहीं डालना, आप तो केआरके डालोगे तो केआरके कुत्ता ही आ रहा है, और आप यू स्क्रॉल करना शुरू हो जाओगे तो कम से कम 2000 वीडियो मैंने देखे हैं। और जो आम जनता है, आंटियां हैं, बच्चे हैं, वो अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं कुत्ता कुत्ता कह के, और कमाल हो गया, मैंने इतना बड़ा हिट होगा मुझे नहीं पता था। थैंक यू जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सभी का, पूरे मीडिया का वंस अगेन पूरे मीडिया का, और जितने मेरे फैंस हैं जो मुझे पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच कि आपने जेन्युइनली गाने को पसंद किया, क्योंकि किसी को सबक सिखाने के लिए कोई ऐसा गाना ज़रूर बनाना चाहिए जिससे आदमी को अकल आए कि अगर वो लोगों का मजाक उड़ाता है, तो जब उसका मजाक उड़ता है तो कैसा लगता है। वैसे इस गाने को देखने के बाद केआरके की क्या प्रतिक्रिया आती है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। INS रिपोर्ट।